जाइए सवार 20 मिनट में देश दुनिया की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर, आधे घंटे में 20 बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में मुख्तार को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर यानी कि कल फैसला सुनाएगी। इस मामले में कोर्ट कल सजा का निर्धारण करेगी। गाजीपुर के करंडा थाने में वर्ष 2010 में मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। गैंगस्टर के इस केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल किया गया था। इन दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट से मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे गैंगस्टर केस में कोर्ट ने आज मुख्तार को दोषी करार दिया। अब कोर्ट इस मामले में कल सजा का ऐलान करेगी। देखिए, अदालत में जो कार्रवाई हुई है वो दोषी करार दिया गया है मुख्तार अंसारी को और सोनू यादव को, गैंगस्टर के तहत जो है दोषी करार दिया गया है। और अगली कार्रवाई जो है 27 को सजा के प्रश्न पर, सजा के बिंदु पर कल जो है 27 को बचाव पक्ष को सुनने के लिए 12 बजे जज साहब के यहाँ फिर पत्रावली पुट अप की जाएगी और सजा निर्धारित की जाएगी।